नाज़रीन आवाज़ टीवी के प्रोग्राम शख्सियत से गड मैं मेज़बान सबा अली जी तो शख्सियत प्रोग्राम में असा होंगी कोई ना कोई शख्सियत जेके काफ़ी अस मुंतजर हूँ तो अड़ी शख्सियत के असे प्रोग्राम में ऐसों तहां यंगस्टर्स के भी काफ़ी इंस्पायर कंदा उन शख्सियत के जेके उन्हें लाइफ के हिसाब से उन्हें कारकर्दगी रही हूँ उन्हें मेहनत रही हूँ वह तहाँ जरूर डिस्कस कराइंदा गपशप कंदा सो अज भी अड़ी शख्सियत अस गड है डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब जो सैनेटर रही चुकिया पीपल्स पार्टी में काफ़ी एक्टिव रहा अज अस गपशप कंदा तो उन्हें लाइफ में हाँ तो हल अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू द शो सर क्या आयो सर मेहरबानी ठीक है तां ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह तां जी पहरे पहरे शुक्रगुजार आया मां तो तां कीमती वक्त मां पंजे असन जे लाई टाइम कढ़ियो है असन जे प्रोग्राम में शख्सियत में आयो मेहरबानी सो की सफर रहयो तां जो यो सेनेटर जो पहरे तने ते गलहाइंदा सी सेनेटर जो सफर तां सियासी वर्कर आया जी ऐ पंजो स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स शुरू कई है ऐ असन जी फैमिली जका ऐसा बिनी साइड जो मैटरनल ए पैटर्नल वो पॉलिटिक्स में रही है पार्टीशन का पेरी भी लेजिस्लेटर भी रहे हैं असेंबली में मुख्तलिफ असेंबलीज में स्टूडेंट लाइफ में सिंध पीपल स्टूडेंट फेडरेशन में पॉलिटिक्स स्टार्ट कई माशला जो दौर हो मुखे जो है सो उदो जो हम नायब सदर हो सिंध पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन जो सिंध जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रो लियाकत मेडिकल कॉलेज हाँ तो लम्स लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ में उत सदर रो आयो उन सो एम आर डी तहरीक में भी शरीक थे 83, 81, 86 में जब डॉक्टर थियासी तो शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के रिक्वेस्ट कई सी तो अचो कन्वोकेशन में डिग्री जो एज अ प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट उन प्रोग्राम लम्स में हो जिते उन अनाउंस किया यूनिवर्सिटी उन तकरीर में मुझे भी जिक्र किया बेनजीर शहीद 89 की गाल तो क्या जो है सो मुख्य बेनजीर शहीद पीपल्स पार्टी जी मेडिकल विंग जो सजे सूबे जो पाकिस्तान जो सदर कई और अब पीपल्स पार्टी मेडिकल विंग जो पाकिस्तान जो सदर आए हाँ मुझे बिलावल भुट्टो साफ किया टिकट मुख्य इलेक्शन में जो सेनेट जी बेनजी साहब 2003 में दिनी हुई पर खटी को सी सेनेट जी इलेक्शन की गाल क्या तो वरी बेनजी साहब चई वही हुई तो तुके सेनेटर कंदी शहीद थी वही वो आसिफ साहब की मेहरबानी बिलावल साहब की मेहरबानी जो मुझे 2012 में सीट दिनों 18 और सेनेटर हो वरी 21 में भी सीट दिनों पर वो इलेक्शन अस खटी को पीपल्स पार्टी सेनेट की 2021 वाली सीट हाँ भी मेहरबानी उन्होंने कई जो मुख्य सिकंदर साहब महेंद्रो साहब के इंतकाल का पो मुखे कवरिंग करे बिहारी मुझे घरवारी के उन्होंने सीट दिनी मिलावल साहब मुझे याद कर यो मुख्तसर मुझे किया है बाकी लिखण पढ़ने वालों है किताबों मु लिखी हैं इन्वायरमेंट ते बेन चीज़न ते सियासी सियासत ते साइकेट्रिस्ट आया इन वक्त आऊँ सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो चेयरमैन आया जेका अथॉरिटी असेंबली ठाई हुई 2013 में हाँ 17 में मुख्य उन्होंने फर्स्ट चेयरमैन थे हाँ वही सेकेंड टेन्योर भी मुख्य मिलो है मेंटल हेल्थ अथॉरिटी बिकॉज आउं साइकेट्रिस्ट आया इन करे माशाल्लाह तहां जी प्रोफाइल अड़ी जबरदस्त आ जी सजी तहां जी मां हिस्ट्री अज ताई जेके तहां कम कर रहा आयो पर सियासत जे हिसाब से थोड़ो गलाइंदा जी त सियासत का शुरू कयो ते केत्रो इंटरेस्ट आए तहां के केत्री अहम आए तहां जे लाई जिंदगी में सियासत मु तहां के चो ना फैमिली वाइज मुजी फैमिली में सियासत रही है 1937 जी असेंबली में असा बुजुर्ग हुआ 43 जी असेंबली
सिंध जी 46 जी उनका 62 उनका 71 77 उनका आउं रहो आया बिनी साइडन ते मैटरनल साइड एंड पैटरनल जी। अच्छा एकरे आम मानू ला सियासत केतरी अहमियत रखे थी भाई? सियासत हर मानू जे ला एम है ता जो को सोचो जो को इलेक्शन में जो को सो तई वोट दियो ता ये सियासत है ना जी। ताई मर्जी जो जो को भी एमपीए थे तो एमएनए थे तो सेनेटर थे तो या जो को सो हुकूमत है थी सूबे जी या मथे जी या लोकल बॉडीज जी तो तमाम जरूरी है चाहता है मसला जो कि है ना हर मानु जा इन्हीं जो को सो चैनल जो थ्रू हल थी ना ही तो जरूरी है सियासत जो जो दिसो मा यो सवाल इन्हीं करे पूछो जो काफी मानु जो यो नजरियो आ तो सियासत एकड़ी गलत छे आ उनमें ठगी बा है उनमें करप्शन आ काफी कुछ आ ता पाण यो समझी सको ता सो उनके हली करे काफी मानु वर ये चोंदा सियासत असा जले इबादत आ। दिसो सियासत एकड़ो मानु डॉक्टर है एकड़ो इंजीनियर है एकड़ो टीचर है एकड़ो वकील है तो उते सब बेस्ट तो कौन हुंदा है के किथे के में खामियों भी होंदियूं आहिनि ऐं ग़लति कम बि केरु कंदा आहिनि ऐं ज़रूरी न आहे त मेजोरिटी त सही आहे त सियासत में बि इलाही माण्हू जेके आहिनि सो तव्हां वारी ॻाल्हि बिल्कुलु सही आहे पर हाणे राइजुल वक्स सिस्टम त दुनिया में थ्रू इलेक्शन आहे हिकिड़े ज़माने में राइजुल वक्स सिस्टम हूंदो हुओ पंहिंजो घोड़ो ऐं तलवार हाँ तो थ्रू वोट से थ्रू हुकूमत उठन थी सही तो ये तक फॉलो करो पौधो ना जी बिल्कुल। अच्छा सियासत ला यो चयो विंदो आ त यो एक कारोबार आ ये सिर्फ हर कोई पंजी दुकान तो चमकाए तो चाहे सही गाल आ सो कारोबार तो डॉक्टर के भी चोंदा है दई जो को सो धंधो तो करे पैसा तो कमाए वकील के भी चोंदा है टीचर्स के भी चोंदा है बाबा ये ट्यूशन सेंटर त हलाए तो हाँ सब तो मानू ही को दुनिया में हर जगह सुठा मानू भी आन खराब मानू भी आन जी। मतलब ये भी आए ना तो दिखो वो जी अस सियासतदान के पंजो पैसो इन्वेस्ट कहो वो उन कमाइंदा ये भी जो मुझे तजुर्बो है जो दिठो है वेझड़ाई का तो 70-80% जेके बि एम पी ए थी वेंदा आहिनि या एम एन ए थींदा आहिनि या सेनेटर थींदा आहिनि उहे कमाई मूं कोन ॾिठी कमाई उन सूरत में थींदी आहे त उहो जेको माण्हू आहे उन जा रबाबत मथे ताक़तवर जेके बि जॻह ते जेके माण्हू वेठा आहिनि हर माण्हू जा कोन हूंदा आहिनि ऐं बाक़ी हाणे हर को मछी मानी वारो आहे ऐं 20% या 25% लाइ तव्हां चई सघो था पर हर माण्हू नथो करे सघे जेका ॻाल्हि तव्हां चओ पिया न की कारोबार ऐं कमाए थो ऐं आई डोंट थिंक सो। अच्छा असेंबलियुनि में आम माण्हू नथा अचनि इन जी वजह छा आहे? वरी बि पीपल्स पार्टी मौक़ो ॾिए थी पर हूअं छो इन जी वजह कहिड़ी आहे? बदकिस्मती इहा आहे त असां वटि पाकिस्तान में जेको 47 में अंग्रेज़ जॾहिं ब्रिटिश इंडिया छॾे वियो ऐं इंडिया जा ॿ हिसा थिया हिकु पाकिस्तान ॿियो इंडिया त असां वटि जेको पॉलिटिकल पार्टी मज़बूत कान हुयूं असां वटि हिंदुस्तान में जेको आहे सो कांग्रेस जी 100 साल जी स्ट्रगल हुई जंहिंमें सियासी माण्हू सियासी वर्कर सियासी लीडर पैदा थिया ऐं उते जेको आहे सो इलेक्शन्स 51 में थी पई एडल फ्रेंचाई एडल फ्रेंचाई मीन्स वन मैन वन वोट पहिरीं जेको 37 में या उनखां पहिरीं या पोइ इलेक्शन असां वटि थींदी हुई हिंदुस्तान हो न हुन ज़माने में ब्रिटिश इंडिया में त 10% या 20% माण्हू वोट ॾींदा हुआ जंहिं वटि बनी हूंदी हुई जेको कारोबार कंदो हुओ या पढ़ियल लिखियल हूंदो हुओ त उनखे वोट ऑफ राइट ऑफ वोट हूंदो हुओ 80% माण्हू वोट कोन ॾींदा हुआ त वन मैन वन वोट जेको आहे जेके एडल फ्रेंचाइज चवंदा आहिनि उहो 51 में स्टार्ट थियो हिंदुस्तान में जेका फस्ट इलेक्शन थी असां वटि एडल फ्रेंचाइज थी 71 में
जेका 70 में जेका इलेक्शन थी ना याया खान जेका कराई हुई उन वक्त हर मानू वोट दिनो ता मुझे गाल समझी हिंदुस्तान में ऑलरेडी कांग्रेस हुई ताकतवर हुई 100 साल विड़ी करे जदोजहद कई हुई इतने जो है सो अस प्लेट में शूं मिली अस कायदे अजम चवंद तो बाबा मुझी मेहनत है या मुझे टाइपराइटर की मेहनत है बेन के लिए उन्होंने तारीख में खोटा सिका तो इतने जो है सो जी लीडरशिप जिना साहब का पो आई वो तकरीबन इतने जहा मू को हुआ सब कामोरा हुआ इंडियन सिविल सर्विस हुआ या ब्रिटिश इंपीरियल फौज जहाँ जो मू हुआ उन्हें जो कब्जो थी वो पॉलिटिक्स उभरी कान हिंदुस्तान में ही कौन थियो यो रीजन है तालीमी इदारन में सियासत के बारे में ता चवंदो तालीमी इदारन में सियासत सही दुनिया में थींदी है यूनियन वारो सिस्टम है उतां ही एक नर्सरी होंदी है उतां ही स्टूडेंट ठीक है ना उते ही उभरी इंदा इन सामू असा वटे जको ज़ियाज दौर में पाबंदी लगी उनका पहले भी पाकिस्तान जदे ठयो तो इतने जहाँ लेफ्ट की पॉलिटिक्स बाएं बाजू की पॉलिटिक्स जी उभरी हुई उनके उन्होंने उभरण को दिनों ठीक है ना जी उन्होंने उभरण को दिनों या स्टूडेंट पॉलिटिक्स के डिस्करेज किया खसूस इन मौजूदा दौर में माना ज्या जो पाबंदी हुई तो हाँ स्टूडेंट पॉलिटिक्स से पाबंदी लगी वही स्टूडेंट्स के उन्होंने डीपोलिटिकलाइज किया हाँ जो स्टूडेंट्स से गलो उन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में वो नफरत करना है टीवी से उनको कंट्रोल हो ताकतवर धुरन जो इस्टेब्लिशमेंट जो जै यो तो सियासतदान चोर आई सियासत गलत है पा हुकूमत कंदा हुआ पा बेसिकली तो पगारदार नौकर आन न आवाम जहाँ वो पा हुकूमत कह कामरो इस्टेब्लिशमेंट जो है सो जो सियासतदान वो चोर निकता हालांकि अगर तहकीकत कई वे तो कई गुना वधिक हू वधिक करप्शन में होंगे सही गाल नाज़रीन इन गाल ते नंढड़े ब्रेक ते वेंदासीं कारे न वंजो सक्सेस प्रोग्राम में असां गॾु अचो वेलकम बैक नाजरीन शख्सियत प्रोग्राम में सभी के वरी भली कार चौं था अस गए शख्सियत है उनसे हाँ अस गुफ्तगु जारी रखासी सर जी बैरोक्रेट और सियासतदान जी गड मिली करे करप्शन कन था उन बारे में तुम चवंद एंटी करप्शन है झलिन कोटू आन या बया जो भी इदारा उनकी करप्शन थ्रू ऑडिट खबर पे उनके बिल्कुल FIR दर्ज थियण खपे गिरफ्तार करण खपे ट्रायल हलण खपे कोर्टन में यू ही चई सकां तो असाजे मुल्क में एहतसाब जो निज़ाम है चाहे बेहतर निज़ाम है एहतसाब सिर्फ सियासी मानू के लिए है ब्यूरोक्रेट्स या इस्टेब्लिशमेंट के लिए तो कुछ को जिन पाकिस्तान तोड़ियो जिन जंगू हारायूं जिन हथियार फिटा कया जिन कारगिल लूज कयो जिन सियाचिन लूज कयो उन है कद उन हलो है जिन आइन के तबाह कयो परवेज मुशरफ या ज़ियाउल हक कुछ आए उन कुछ को रुगो जो सो सियासी मानू के लिए सियासी वर्कर के लिए सियासी लीडर के लिए तो ये करप्शन था कन बाकी ये पोया जका स्टोरी है जी। गुलाम मोहम्मद जो है सो कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कयो 54 में असेंबली खत्म कयो उन लाए छा है कुछ कोन थियो अच्छा एहतसाब जो हक पार्लियामेंट के मिलल आए तो छा उहा पार्लियामेंट एहतसाब करे थी देखो पार्लियामेंट तो कानून ठाइंदी है जी सारी दुनिया में सुप्रीम इदारो पार्लियामेंट है उन जे बतन का जुडिशरी निकरे थी उन जे बतन का प्राइम मिनिस्टर थींदो है एग्जीक्यूटिव निकरंदी है जेके भी इदारा सरकारी या ब्यूरोक्रेसी है फौज है ये सब पार्लियामेंट के अंडर में है जी पार्लियामेंट तो सुप्रीम इदारो है बिल्कुल वो ही कानून ठाइंदो है पर इतने तो पार्लियामेंट के जो है सो नॉन इफेक्टिव करने की कोशिश कई है
ब्यूरोक्रेसी यही है एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। वो फैसला सर पार्लियामेंट में छोना था थे पार्लियामेंट में गए नॉन इफेक्टिव करने की कोशिश की हुई है। पार्लियामेंट उन वक्त स्ट्रांग थी जब पॉलिटिकल पार्टीज पाकिस्तान जेके वो स्ट्रांग नहीं थी। जब पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग थी तो पार्लियामेंट भी स्ट्रांग थी। सही। जब पॉलिटिकल पार्टी तान जो स्ट्रांग नहीं तो पार्लियामेंट की स्ट्रांग थी। वो तो कामरो ये जेके एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होती। सही दुनिया में जैसे पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग नहीं चाहिए स्ट्रांग को ना। सही। अच्छा तहां ना समझो तो जेके पॉलिटिकल पार्टीज आइन सने मुल्क में इनन पार्लियामेंट के छड़े करे पान बाहर वनी करे फैसला क्या है इन्हीं करे पार्लियामेंट स्ट्रांग ना है ना। फैसला तो सब पार्लियामेंट में थी दाइन पर पॉलिटिकल पार्टीज जो स्ट्रांग थियन जो मतलब यो है तो पार्लियामेंट एंड डेमोक्रेसी जो स्ट्रांग थे पर पॉलिटिकल पार्टीज अगर स्ट्रांग नाइन तो पार्लियामेंट की स्ट्रांग थी जी वो तो काम हो रहा या एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग हो थी उनके काउंटर तो पॉलिटिकल पार्टी कर सके थे। सही। तो 88 में वदा वदा भुत किरी पिया इलेक्शन में जी पॉलिटिकल पार्टी शिकस्त देनी ना। सही। अगर पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग ना होंगी तो ये भुत ही स्ट्रांग रहता। बिल्कुल सही गाना। अगर सियासतदान एक बे के खिलाफ इस्तेमाल थींदा तो पु किए थींदी पार्टी मजबूत। सियासतदान सही दुनिया में सियासतदान एक पेज तो कौन होता है हर पॉलिटिकल पार्टी होंगी है उनका एजेंडा होता है उन मुताबिक थींदा यो तो एक्सपेक्ट न कयो तो तमा हर सियासी मानू जो है सो या हर पॉलिटिकल पार्टी एक पेज से होंगी दुनिया की तारीख में ही कौन थो इलेक्शंस में जो खटो है जो हारा है शूँ हल्द तो एक पेज से भले सियासतदान न होजन पर एक बे के खिलाफ इस्तेमाल न थे तो चव एक बे के खिलाफ तो केर इस्तेमाल को तई जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उनमें एस्टेब्लिशमेंट तोड़फोड़ थी करे डेमोक्रेसी के कमजोर थी करे पा अचे थी कें इस्तेमाल इस्तेमाल भला एक सिस्टम के तुम हलन ही को एक सिस्टम हल तो उनके तेस तेस कर बी पॉलिटिकल पार्टीज तो वरी उनके मिलाइन था कयो वरी टी पॉलिटिकल पार्टी अचे थी 70-75 साल में यो ही सिस्टम एस्टेब्लिशमेंट की तरफा थल इल्ज़ाम अचे तो बाबा सियासतदान है उनको हल सिंपल यो है जिस तीन पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रांग नहीं थी तो डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं थी। सर मौजूदा सूरत हाल में वो बहरान हल पे मुल्क में इन बहरान में क्या निकलदी हाँ अस बहरान में जिन बहरान किया है वही कटंदा पो अस तो को कें बहरान किया है जेके जेके ताकतवर दूर हैं उन्हें जो बहरान है यो वो पाड़ में ठही वा तो गाल खत्म तो अवाम छा करे हाँ अवाम विच में पिस भी तो अवाम है ना अवाम छा कंदी अवाम दिसे जेके जेके धुरू हैं वो पाड़ में विड़ी वेठू हैं जेके असा का भी जोर हैं बेन का भी जोर हैं वो पाड़ में ठही वा वक्त से गड उनमें अस तो कुछ ना कर सकूँ। सर जी हाँ आम चूंडी थी बल्दियाती इलेक्शन्स भी थे वा तो उनमें जो हारायण वा हूँ तो उवन धांधली थी तो इन में सच्चाई होंगी दिसो धांधली सारी दुनिया में थी न भी थी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में स्ट्रांग पो वे हिंदुस्तान में भी इलेक्शन कमीशन इलाही स्ट्रांग है या अमेरिका में भी स्ट्रांग है या बेन मुल्क में तई इलेक्शन कमीशन के स्ट्रांग कंदा मुसलसल इलेक्शन थींदा तो चीज़ों खत्म थी वेंदी बाकी ही जेके धांधली वाली गाल है वो भी वक्त से गड चीज़ों अगर रेगुलर इलेक्शन थींदा रेगुलरली तुम इलेक्शन कमीशन स्ट्रांग थींदो तो ये शय खत्म थी वेंदी मतलब धांधली थींदी आहे आई डोंट थिंक सो थींदी हूंदी ये एलिगेशन अमेरिका में भी ट्रंप हाई हुआ तो बाबा मुख्य धांधली से हारा वो जी बिहार मानू भी चवंदा हर जगह तो हाँ उनको हल तो यो है तो इलेक्शन थींदा या इलेक्शन न थी या जो सो एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत करे सही ये तो कौन थी तो ना? जी बिल्कुल ये तो ये गलियों थीं दियों दियों धांधली वाली हाँ पॉलिटिक्स का अलावा जो कुछ हाँ तो रिसेंटली कम कर रहा है हो मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के हिसाब से छा चवंदा था मेंटल हेल्थ अथॉरिटी जो का सा यो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो तहत ठहल है
2013 में सिंध असेंबली एक्ट पास कयो, 2017 में अथॉरिटी ठही, जिन जो कम है असो कम है एडवाइस करना गवर्नमेंट के जहनी सेहत के हवाले से बीमारी थी सकन किथे वार्ड्स खुलन किथे हॉस्पिटल्स खुलन मेंटल इलनेस के हवाले से कोविड में थो इलनेस कितनी वधी घटी या बी जे भी चीजों इन वे असो कम है गवर्नमेंट के गाइड कर यो एक्ट में लिखल है केतरा साइकोलॉजिस्ट खपन केतरा साइकेट्रिस्ट खपन तहकीकत कर के भाई ओल्ड एज ओल्ड इल मिसाल के तौर समझाने खातर यंग मानों के कड़ी बीमारी थी सकन थी बच्चन के कड़ी बीमारी थी जहनी थी सकन थी वड़न मानों के वड़ी उम्र वारन के कड़ी थी सकन थी गवर्नमेंट के छा करन खपे तो यो असो कम है असा अलग कुछ तहकीकत भी कई हुई रिसर्च भी कई हुई कैंप्स भी हयू आज साइकेट्रिक सागे वक्त में सेमिनार वॉक्स भी कई हुई अवेयरनेस लाई लिटरेचर मैगजीन्स ये अचन पे तो वो जो भी एक्ट में लिखल है अकॉर्डिंगली मूव क्यों पे सर ये ढो अहम मौजू है मेंटल हेल्थ ढी जरूरी है नाजरीन इन वही गाली नाजरीन ब्रेक से वह कार्यनवन शख्स प्रोग्राम में गुजो वेलकम बैक नाजरीन शख्सियत प्रोग्राम में सभी के वरी भली कार चूं था असा गड जगह शख्सियत है उनसे हाँ मेंटल हेल्थ से ढो इम्पोर्टेंट इशू है यो इन ऐसी सर मेंटल हेल्थ ढी जरूरी है इन जी हाँ मसाइल वधी रहा है असो मुआशरे में यंगस्टर्स में स्पेशली तो इन जो रीज़न है ऐसो असि समझूँ दिमाग में जो केमिकल्स वो घट मेंटल इलनेसिस समाज में प्रेशर्स के करे भी थींदियूं आहिनि ऐं उनखे कंट्रोल करे सघिजे थो थ्रू अगरि को पुॼे थो कंहिं डॉक्टर वटि त WHO चवणु इहो आहे त हार्ट जी बीमारियूं नंबर वन आहिनि त ॿिए नंबर ते डिप्रेशन आहे जी बिल्कुलु ऐं डिप्रेशन हिन दफ़ा जेको आहे सो कोविड जे करे अञा वधियो आहे असांजी जेका रिसर्च चए थी त 40% डिप्रेशन थी वियो आहे हिन कोविड जे करे ऐं हाणे सैलाब आयो आहे जंहिंजे करे अञा वधियो आहे इकोनॉमिकल इशूज़ जे करे त हाणे चवण जो मतिलबु इहो आहे त इहे सभु चीज़ूं पंहिंजी जाइ ते आहिनि ऐं उनखे थ्रू ट्रीटमेंट अगरि को ठीकु कान्हे त उहो डॉक्टर ताईं पुॼे अच्छा काफ़ी अवेयरनेस न आहे असांजे जे स्पेशली सिंध में त असां डिप्रेशन जो ऐं मेंटल इलनेस जी कोई ट्रीटमेंट करायूं वो बल्कि मानू पान में ही एक बे के सलाह दई विड़ी मारे करे वो शे खत्म थिंदी आ या अन्या वधी वेंदी आ अवेयरनेस आए ऐ मानू अचन पे डॉक्टर्स वटे साइकेट्रिस्ट वटे पुजन पे ऐ मानू इलाज कराइन भी के असन जे रूरल एरियाज में भी मानू अचन पे बिल्कुल रूरल एरियाज में मु प्रैक्टिस कई है ठठे में मु जको 15-20 साल प्रैक्टिस कई है फर्स्ट साइकेट्रिस्ट इन ठठा लियारी में मु कई है प्रैक्टिस जो रिमोट एरिया है कराची जो जी उते जो है सो बलोचिस्तान ईरान ओमान उते जा जे बलोच इंदा हुआ इलाज लाए अवेयरनेस आए पर अवेयरनेस अजा जरूरत आए मानू जो है सो पीरन फकीरन दरगाह से वेंदा भली वजन पर माना इलाज तो पाई जाए तो ही डॉक्टर ही कर सकता है अच्छा जो मूँ अफोर्डेबल ना नथा वही सन तो कन पे डिप्रेशन के खत्म कर सरकारी हॉस्पिटल में वन उते बिल्कुल ट्रीटमेंट थी है दवाओं भी मिलन ट्रीटमेंट के करे सही थी सिंध जो हेल्थ डिपार्टमेंट है मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स डिस्ट्रिक्ट लेवल ते ट्रेशरी हॉस्पिटल शहर में शहर में तो आन पर जी बहर आड़ी में अस हॉस्पिटल्स ना हॉस्पिटल्स में नफ्सियाती डॉक्टर्स नफ्सियाती डॉक्टर्स सूबे सिंध में टोटल 140 या 150 आए साइकेट्रिस्ट जैसे चुजे जो रजिस्टर्ड आज अस उन समझो तो जे भी डॉक्टर्स बदकिस्मती से
वो जेके मिसाल थर मां जेके सेक्रेटरीज थींदा आहिनि उहो बि हैदराबाद कराची अची वेंदा आहिनि या मुल्क खां ॿाहिरि वेंदा आहिनि। अहिड़े नमूने कराची मां जेके थींदा आहिनि उहे मुल्क खां ॿाहिरि वेंदा आहिनि। हैदराबाद मां इलाही माण्हू हिते घटि प्रैक्टिस कंदा आहिनि, ॿाहिरि वेंदा आहिनि सेक्रेटरीज़ जी ॻाल्हि थो कयां। छो जो ट्रीटमेंट त उहो ई कंदो आहे, दवाऊं बि उहो लिखंदो आहे, साइकोलॉजिस्ट बि आहिनि उहो वरी ॿिए नंबर उहो ईंदा आहिनि त जॾहिं असां रेफर कंदा आहियूं त बाबा हाणे थेरापी थियणु खपे, या माण्हू डायरेक्ट उन्हनि वटि वेंदा आहिनि पर उहो मेडिसिन लिखी कोन ॾेई सघंदा आहिनि जेको लॉ चए थो। मुंहिंजो चवण जो मतिलबु आहे त हिन फील्ड में माण्हू घटि था अचनि, साइकेट्री में डॉक्टर्स जेकी यंगस्टर्स छोकिरा छोकिरी आहिनि उहे घटि था अचनि, त इहो बि हिकिड़ो रीज़न आहे। ॿियो रीज़न जेके बि आहिनि उहे वरी शहरनि ॾांहुं रुख था कनि, त हाणे तव्हां सम्झो त सिंध जा 29 डिस्ट्रिक्ट्स आहिनि, उन मां सम्झो त 20 डिस्ट्रिक्ट खाली पिया आहिनि, त हाणे उन में सरकार छा करे जेको अगरि यंगस्टर्स प्रैक्टिस नथा कनि भॼी था अचनि। ॿियो इहो आहे त हिन फील्ड में घटि था अचनि। मां इहो कंहिं ते तनक़ीद नथो कयां पर इहे हक़ीक़तूं आहिनि जी, बिल्कुलु ईअं ई आहे। उनमें माण्हू इहो त इनकरेज कंदो हींअर असां जे चवण ते जेको आहे सो सिंध गवर्नमेंट लॉ पास करायो, इहो जेको सरकवजी इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जंहिंखे पाण गिदू बंदर आहे ऑटोनॉमस बॉडी करायो आहे, उनखे ॿिनि इदारनि सां ऑलरेडी उहो लम्स सां अटैच हुई हाणे सिंध यूनिवर्सिटी सां, सो दैट के डॉक्टर्स हुते साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट जेके वॉर्ड बॉयज़ आहिनि या नर्सिस आहिनि उहो ट्रेन थियनि ऐं सॼे सिंध में सॼे पाकिस्तान में ई ख़िदमत कनि। इहो ई माण्हू गवर्नमेंट इनकरेज करे सघे थो। जी बिल्कुलु। अच्छा सर, जेके माण्हू हाणे नफ़्सियाती अमराज में घणो हलिया विया आहिनि, डिप्रेशन में, त इहे बेरोज़गारी जो घणो सबबु आहे, माना उनजो हथु घणो आहे, त इन जे बारे में छा चवंदव? ॾिसो, मूं चयो न की जेके साइंस ऐं मेडिकल साइंस इहा थी चए त जेको डिप्रेशन आहे उहो दिमाग़ में खलियुनि जे करे घटिजी वेंदो आहे। उनजो बिल्कुलु सोशल प्रेशर्स बि हूंदा आहिनि जी, के बेरोज़गारी आहे, अनसर्टनिटी आहे, मुस्तक़िल जेको आहे सो ब्लीक नज़र थो अचे, इहे शयूं आहिनि। पर हुन जो इलाज त आहे न, अगरि उहो डॉक्टर ताईं को बि मरीज़ पुॼे थो ऐं इलाज कराए थो, चाहे डिप्रेशन या ज़हनी अमराज जो तव्हां इलाज न कंदो त माशरे खे ऐं तव्हांखे पाण मरीज़ खे नुक़सानु थींदो, त बिल्कुलु इशूज़ आहिनि हिन में, को शक न आहे। ऐं फाइनेंशियल इशूज़ आहे नंबर वन, यंगस्टर्स में आहे, ऐं जेकॾहिं इलाज सही नथो थिए त माण्हू एक्सट्रीमली डिप्रेशन ते, डिप्रेशन जो तव्हां इलाज न कंदो त सुसाइड वञी कंदो या कंदी, ठीकु आहे न? त इलाज त ज़रूरी आहे, बिल्कुलु ज़रूरी आहे। ऐं सिर्फ़ु डिप्रेशन त कान्हे, ॿी बीमारियूं बि आहिनि जी, नशे जे करे बि इलाही माण्हू दिमाग़ु ख़राबु थो थी वञे, या जेको शिज़ोफ्रेनिया आहे या मैनिक डिप्रेसिव आहे या ॿिया जेके नशा जेको कंदा आहिनि, शराब आहे या अफ़ीम आहे या चर्स आहे या भंग आहे या पार्टी ड्रग्स आहिनि, जंहिंजे करे नुक़सानु थींदा आहिनि, ऐं पंहिंजो कोकीन आहे। सर, प्रोग्राम में वक़्तु थोरो बचो, मां चाहींदसि त जेको तव्हां शुरू में असांखे ॿुधायो तव्हांजो पोइट्री में, शाइरी में ॾाढो इंट्रस्ट आहे, म्यूज़िक में, अदब में, किताब तव्हां लिखिया आहिनि त उनजे बारे में थोरो ॿुधायो। बसि, मां लिखणु पढ़ण वारो शुरू खां आहियां, मूं किताबूं बि लिखियूं आहिनि, इनवायरमेंट ते रिसर्च बि कई आहे, सिंध जे पहाड़नि ते बि किताबूं लिखियूं आहिनि, ऐं साॻे वक़्त में आऊं म्यूज़िक में बि दिलचस्पी रखां थो, डांस में बि दिलचस्पी रखां थो। अच्छा। माना मौज़ू जे हिसाब सां, छोजो इंसान हिन धरती ते 2.5 लख सालनि खां आयो, त हुन एक्सप्रेशन डांस जी सूरत में कयो। असां वटि डांसिंग गर्ल जो सिंध में जेको मौजू दड़े में निकितो आहे स्टेचू, उहो छा इंडिकेट इहो ई थो करे। साॻे वक़्त में पेंटिंग सां बि मूंखे दिलचस्पी आहे, मुजस्मा साजी साहब बि मूंखे दिलचस्पी आहे। अच्छा, मौसीकी कहिड़े क़िस्म जी तव्हां ॿुधणु पसंदि कंदा आहियो? हर तरह जी जंहिंमें मूंखे पसंदि अचे, उहो सिलेक्टिव कोन आहे, जेका बि कहिड़ी बि ॿोली हुजे, कहिड़ी बि जेका असां इलाइक़ो हुजे, जेको जेका शइ पसंदि ईंदी उहो पसंदि इंसान खे ईंदी आहे। ऐं जेको मतिलबु ज़्यादातर तव्हां तरजीह कंहिं ॾींदा आहियो, क्लासिकल खे, फोक खे, या हर चीज़ खे जेको दिलि पसंदि अचे।
सही छा जो हिंदी का मूड ते डिपेंड कंदो छा मूड ते डिपेंड भी कंदो आए मूड ते भी डिपेंड कंदो है बियो तो हिंदी जी का बाउंड्रीज इन जबान तक कान होती है जी जेडे तो मने इंसान कुदरत जी खूबसूरती है इंसान जी खूबसूरती है या म्यूजिक जी खूबसूरती है डांस जी खूबसूरती है पेंटिंग मुजस्मा शाह जी या जेका भी सीनरी तां दिसो ता कें मुल्क में वो तक चीज के दिल से पसंद अचे थी तो इन जी तो जबान कान होंगी अच्छा डॉक्टर साहब पान भी करें गुनगुनाइंदा आयो करे करे मतलब इतरो मुझे आवाज इतरो सुठो कोने पर तनहा जरे हुंदा अंत आवाज भली सुठो हो जे या ना हो जे तो को मानो गुनगुनाइंदा इतरो घटा है मुझे अनफॉर्चूनेट है हो जण खपे अच्छा असा के कुछ बुधाइंदो हां अज असा कुछ बुधायो मुझे कदे एड़ो एक्सपीरियंस कोन रहयो है या बुधंदो आया मुझे आवाज भी सुठो कोने याद भी मुखे ये चीज प्रॉपर्ली थोड़ो भी बुधाइंदो ना हिस्ट्री जो हिस्सो थी विंदो वो ता वायरल उन हिसाब से थोड़ो मौसीकी में भी थी विंदो मुझे ख्याल से मु कदे भी एक्सपीरियंस इन हवाले से कोन कयो है बुधंदो आया एंजॉय करदो आया भला कोई एड़ो शेर बुधायो शेर में भी आवाले ही कमजोर आया फेवरेट शायर तो हाँ मुख्तलिफ आन मुख्तलिफ जबान में मुख्तलिफ मू सी सिंध की गाल पर एवरीवेयर लतीफ़ साई बेस्ट है सचल बेस्ट है सामी बेस्ट है उनका शेख अयाज है जी उनका सो उर्दू में भी बेस्ट मानू आन इंग्लिश में भी आन रशियन लैंग्वेज में भी आन बेन जबान में भी आन लैटिन अमेरिका जी तो जो दिसंदा सचे को समझ में अचे तो जड़े नमूने मानू जैसे पसंद करे जी थैंक यू सर थैंक यू सो मच मैं तड़ी थैंकफुल आया प्रोग्राम में आयो तुम कीमती टाइम में टाइम दिनों शख्सियत प्रोग्राम में आयो आई मज़े मज़े जो गाल बुधायव पॉलिटिक्स का हटके भी काफ़ी सुठी गपशप थी स्टूडियो चैनल अच्छा असन यंगस्टर्स की कोई पैगाम देना चाहिंदो बिल्कुल सर यंगस्टर्स मुस्तकबिल समाज जो सोसाइटी जो मुल्क जो यूनिवर्स जो स्ट्रगल कन एंजॉय कन डाइवर्सिफाई सोचीन महदूद न सोचीन नैरोली न सोचीन मुख्तलिफ इलाके के बारे में सोचीन कॉमन के बारे में सोचीन स्ट्रगल कन स्ट्रगल कंदा कामयाब या थींदियूं इंसान बराबर है गजी हलणो है सभी के जेके मॉडर्न दौर में जेके भी तरक्की थी उनके बारे में पढ़न समझन नाजरीन अज अस इजाज़त दींदा शख्सियत में गड हुआ डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब ढी सुठी सुठी कचहरी थी उन्होंने हाँ नेक्स्ट प्रोग्राम में कें सुठे गेस्ट से वरी अस हाजिर थी कें शख्सियत से गड तेस तई सबाली के इजाज़त दींदा अल्लाह नेगेबान।